हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री. सो गाइस, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ इस टाइप की वीडियो भी मुझे कभी चैनल पे अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्वीट करना कराना आई थिंक ना तो स्टूडेंट्स का काम है और ना ही टीचर्स का काम है ये सब करवाने का. बट हमें क्या कर सकते हैं, CSIR को जब भी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो ट्वीट करते हैं. जैसे उनका लास्ट ट्वीट आया था कि जब तक कंट्री में सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होती है वो एग्ज़ाम नहीं करवा सकते. तो अभी ना मैं आपकी साइड से भी सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हूँ कि ठीक है, कंट्री में ना कुछ स्टेट्स में अभी सिचुएशन स्टेबलाइज्ड नहीं है. जैसे केरला, महाराष्ट्र में केसेस हैं, ठीक है, वहाँ पर है. बाकी जगह तो पहले से बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम तो लास्ट टाइम 26 नवंबर को भी हुआ था. सिचुएशन तो उस टाइम पे इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, तब भी एग्ज़ाम करवाया गया है. और इस टाइम पे जब IIT JEE का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, कल RPSC का एग्ज़ाम था वो भी हो गया है, और बाकी स्टेट लेवल एग्जाम्स भी हो रहे हैं. BARC जो कि नेशनल लेवल एग्जाम है वो हो गया है. गेट और जैम की हमें टेंटेटिव डेट्स पता है, एप्लीकेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट है उनका, है ना. तो जब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो CSIR क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं हमारे लिए. और CSIR को चलो ठीक है, UGC को देख लो, UGC NET ने भी तो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है. तो CSIR में क्योंकि सब्जेक्ट कम है, सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंस एंड देन अर्थ साइंस. क्योंकि सब्जेक्ट कम है तो स्टूडेंट्स भी कम है. आई थिंक हम लोग बोल नहीं पा रहे शायद अपनी बात को. तो मुझे सिर्फ इतना ही लग रहा है कि एक बार उनको बताएं कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं स्टूडेंट्स और अपना पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है. क्योंकि ऑब्वियस है, अगर आपको पता होता है कि आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, आप पढ़ना शुरू कर देते हो. उसके बेसिस पे हम अपना टाइम टेबल सेट करके पढ़ना शुरू कर देते हैं. लेकिन अभी तो दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, जून 2021 भी नहीं हुआ, और अभी हम दिसंबर को अप्रोच कर रहे हैं, दिसंबर 2021 वाले एग्ज़ाम के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम अभी नहीं लेना तो एटलीस्ट आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दो, जिसमें आप कुछ चीज़ों को क्लियर कर दो कि एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट दे दो, साथ में ये बता दो कि जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्योंकि ऑब्वियस है ना कि GRF में एज लिमिट भी है, तो स्टूडेंट्स वो वाले भी परेशान हैं जिनकी एज 29 के आसपास अभी है ना. तो ये वाली चीज़ें भी क्लैरिटी हमें चाहिए इनकी भी. क्या साल में एक ही बार एग्ज़ाम होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक ही हुआ है, इस बार भी शायद एक ही होगा, तो क्या ये फिक्स ही करने वाले हैं. तो ये सारी क्लैरिटी CSIR को ही देनी पड़ेगी. हम ना अपनी साइड से ये कर सकते हैं, क्योंकि CSIR की इन्फॉर्मेशन ट्वीट के थ्रू आती है, तो हम भी अपनी साइड से एक ट्वीट कर सकते हैं. अब यहाँ पर ना मुझे पता है एक प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम ना ये सारी कंप्लेंट्स करते तो हैं, हम ये भी बोल देते हैं कि CSIR वैसे तो बोलते हैं कि हम रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं ले रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं और बोलते भी हैं, है ना. लेकिन अपनी साइड से ट्राई तो हम भी नहीं कर रहे हैं. मुझे ये पता है कि इस वाली वीडियो पे कम से कम 10,000 to 15,000 व्यूज आने वाले हैं. तो अगर वो 10,000 to 15,000 व्यूअर्स अगर जाके जो मैं ट्वीट करने वाली हूँ संडे को 11 बजे 3 अक्टूबर को, अगर आप रीट्वीट कर दो ना और अपने अकाउंट से अगर ट्वीट कर दो, तो उससे भी ना बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है. 10,000 ट्वीट्स कम नहीं होते. मैं तो कहती हूँ मुझे पता है आप लोग 1,000 ट्वीट्स तक नहीं पहुँचाओगे, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है ना, अच्छा वीडियो को लाइक कर दिया, एक कमेंट कर दिया, हमारा काम हो गया. हम तो ट्विटर पे है ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है, ट्विटर पे तो मैं भी नहीं थी, आ रही ना, कर रहे ना कुछ ना कुछ कोशिश. तो सिर्फ मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इस वीडियो को अगर कोई IIT जैम वाला एस्पिरेंट, कोई BSc MSc वाला भी अगर देख रहा है, तो आपका भी नंबर आने वाला है. हो सकता है इन फ्यूचर कभी आपको भी ज़रूरत पड़े तो हम बोलेंगे उनको जो आपके BSc MSc में नहीं है कि ट्वीट करें. तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी आपको सपोर्ट करेंगे. तो म्यूचुअल चीज़ें हैं, एक ना कोशिश कर सकते हैं. कुछ नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता ट्विटर का अकाउंट बनाने, आपको सिर्फ जाना है, जाके रीट्वीट करना है. एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना कि 1,000, 2,000, 5,000 क्यों नहीं, कम से कम 5,000 रीट्वीट्स करवा दो आप, फिर देखते हैं कैसे आंसर नहीं आता है. ट्राई तो कर सकते हैं एटलीस्ट, ये तो होगा अपनी साइड से हमने कुछ कोशिश करी है. फिर नहीं आया तो नहीं आया रिप्लाई, वो तो वैसे भी नहीं आ रहा, क्या पता ऐसे आ जाए, समझ लो मेल्स का रिप्लाई तो आ नहीं रहा है. तो हम बस ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद इतने ज़्यादा नंबर ऑफ रीट्वीट्स होने से शायद हमें कोई आंसर मिल जाए. तो अगर आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम होना चाहिए और जो बातें मैंने बोली हैं उनमें पॉइंट है एक, क्योंकि देखो स्टूडेंट लाइफ में ना प्रिपरेशन फेज एक बहुत लंबा फेज, जैसे मालूम है टाइम पता ना 1 साल के लिए पढ़ना है, हम पढ़ लेंगे, फिर पता चले कि एग्ज़ाम तो नहीं हो रहा, 1 साल और पढ़ना है, नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है. तो जब तक टाइम बाउंडेशन ना हो ना, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. आपको पता है सेमेस्टर एग्जाम अगर 2 महीने बाद स्टार्ट होने वाला, हम देखेंगे भी नहीं अभी, 1 महीना पहले आता है, चलो ठीक है पढ़ना शुरू करेंगे. तो अगर एक डेट पता हो ना उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो जाती है. उनके बारे में सोच के देखो स्टूडेंट्स का, जिन्होंने लास्ट जून में प्रिपरेशन स्टार्ट करी और वो सोच रहे थे कि दिसंबर वाला एग्जाम देंगे, वो नहीं हुआ, जून वाला नहीं हुआ, अब दिसंबर वाले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है.
तो हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा. तो सिर्फ ना मैं कभी आपको नहीं बोलती कि वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कभी नहीं बोलती हूँ ना. मैं आपको आज बोल रही हूँ कि इस वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को बोलना कि हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे आपसे, प्लीज़ जाकर रीट्वीट कर दो और अपने खुद के अकाउंट से भी ट्वीट कर दो अगर पॉसिबल है तो. और अगर वो नहीं करना चाहते तो मैं ट्वीट करूँगी 11 बजे संडे को, 3 अक्टूबर को, आप उसको प्लीज़ रीट्वीट कर दो. उस पर भी अगर ज़्यादा नंबर ऑफ रीट्वीट्स होंगे तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन आप करवाओ तो सही. ये 50, 100, 150 से कुछ नहीं होने वाला है. तो अगर एक कोशिश करनी ही है तो ढंग से करते हैं. अगर आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, आप पॉइंट्स को ऐसे बोल सकते हो कि हाँ वैलिड पॉइंट्स हैं, लॉजिकल हैं, तो फिर आपको इसमें भी सपोर्ट करना चाहिए. जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोल रही हूँ, अगर आपको आज तक कभी लगा है कि मैंने किसी भी वीडियो में कुछ ऐसा पढ़ाया है जिससे आपकी हेल्प हुई है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिली है, तो आप मेरा ये काम करेंगे. मैं ज़्यादा करने के लिए कभी बोलती नहीं हूँ, मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलती कभी भी, आज बोल रही हूँ प्लीज़ उसको शेयर कर देना. और जितने नंबर ऑफ रीट्वीट्स आप करवा पाओ उतने करवा देना, शायद हमें कोई आंसर मिल जाए. और जो BSc वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका नंबर भी आ सकता है कभी कभी, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप अभी हमें सपोर्ट कर दो, ठीक है. तो बस अभी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपनी साइड से एक सिंसियर एफर्ट करते हैं, शायद हमें आंसर मिल जाए. सो आई एक्सपेक्ट कि हम 1000 ट्वीट्स तो कर ही देंगे, जो मैंने बहुत छोटा नंबर बोला है, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस वीडियो पे 10,000 या 15,000 नंबर ऑफ व्यूज़ हो जाएंगे इस टाइम तक. तो अगर सारे एक बार सिंसियरली कर देना रीट्वीट, मुझे नहीं लगता कि सामने से आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा पक्का. तो मैं अपनी साइड से इनिशिएट कर रही हूँ, देखते हैं आप कितना ज्वाइन करते हो. तो मिलते हैं 11 बजे, ट्वीट कर देना प्लीज़.